हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय आर्ट चैनल। तो कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया हुआ था, और मैं जब दिल्ली का कुछ काम से गया हुआ था तो मुझे कुछ आर्ट मटेरियल भी परचेज करने थे। और मैंने सुना हुआ था दिल्ली का सबसे बेस्ट आर्ट मटेरियल शॉप वो है हॉबी क्राफ्ट। तो मैं सोचा क्यों ना एक बार विजिट किया जाता हूँ। मैं विजिट करने पहुँच गया तो फिर मैं निकल पड़ा अपने डेस्टिनेशन के लिए। मैंने पहाड़गंज से कैब बुक किया जो कि काफ़ी कॉस्टली था मेरे लिए, बट हॉबी क्राफ्ट तो जाना ही था क्योंकि मैं दिल्ली आया हूँ। हॉबी क्राफ्ट ना जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैंने कैब बुक कर लिया। तो निकल पड़ा अपने रास्ते पे, लेकिन रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था जिसके कारण मुझे जो डेस्टिनेशन था 35 मिनट का, उसको पूरा करने में मेरे को 50 मिनट्स लग गए। काफ़ी रश था रोड पे, कुछ कुछ जगह पे मेरे को फ्री मिल रहा था रोड। बट उसके बाद फाइनली मैं पहुंचा हॉबी क्राफ्ट के स्टोर में, और फिर तो भाई मज़ा ही आ गया। बहुत ही अच्छा स्टोर था। वहाँ जाकर मुझे समझ में आया हॉबी क्राफ्ट इंडिया का सबसे बेस्ट आर्ट मटेरियल क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हर प्रोडक्ट, हर ब्रांड के प्रोडक्ट अवेलेबल थे। जो मैं ऑनलाइन में सर्च करता था आर्ट मटेरियल को, वो वहाँ सब ब्रांड के रखे हुए थे। कलर्स थे, मार्कर्स, और स्पेशली टॉम्बो और शकूरा के आर्ट मटेरियल रखे ही हुए थे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ प्रिज्मा कलर के भी इंडिविजुअल कलर पेंसिल्स और सेट्स रखे हुए थे। सबके प्राइजेस अलग अलग थे। अगर आपको परचेस करना हो तो आप सिंगल पीस भी आप यहाँ परचेस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे वैराइटीज़ हैं इनके पास, काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखा है इन्होंने। और यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स भी है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए, जैसे वाटर कलर, एक्रेलिक और ऑयल कलर के लिए, या ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल भी अच्छा खासा ब्रांड के अवेलेबल हैं। और यहाँ पे मैंने एक आर्टो का स्केच पेपर था जो मैंने देखा, जिसमें सौरभ जोशी सर का आर्ट छपा हुआ था। और हॉबी क्राफ्ट में भी उनको शायद प्रमोट करता होगा या उन ब्रांड एम्बेसडर होंगे, आई डोंट नो। बट जो भी था अच्छा था। हॉबी क्राफ्ट आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और इनकी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी है, जिससे आई एम टोटली सेटिस्फाइड। और मैं हॉबी क्राफ्ट आया तो सोचा क्यों ना कुछ प्रोडक्ट परचेस करूँ जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मैंने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट परचेस किए जो मेरे स्केचिंग के काम में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आपको शो करता हूँ मैं यहाँ से क्या परचेस किया। तो हॉबी क्राफ्ट से मैंने जो सामान लेके आया वो ये है। बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है, और ये जो बैग दिए हैं काफ़ी अच्छा है हॉबी क्राफ्ट वालों ने। हॉबी क्राफ्ट का ब्रांड छपा हुआ है, तो इसमें मैंने अपना पूरा सामान जो भी लाया वो आपको मैं शो करता हूँ। ये कुछ पेपर है, ये मेरे को ज़रूरत था तो मैंने ये आटो का एक पेपर परचेस किया। और उसके बाद इसमें देखते हैं और क्या है। कुछ पेंसिल्स हैं, आपको शो करता हूँ। ये कुछ पेंसिल्स, कुछ इरेजर्स, ये देखिए, ये मैंने टॉम्बो के, मेरे पास टॉम्बो ब्रांड के पहले से ही एक सेट रखे हुए हैं। उसमें 6B ख़त्म हो गया है, तो मैंने सोचा 6B का मतलब सिंगल मैं परचेस कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा डार्कनेस इसका अच्छा होता है। तो मैंने 2 पेंसिल इसको सिंगल पीस परचेस किया। उसके बाद वाइट जेली रोल, ये हाईलाइट को शो करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये भी मेरा ख़त्म हो रखा था इसलिए मैंने इसको भी परचेस कर लिया। एक 10 नंबर का, एक 0.5 है कि नहीं पता मुझे, 5 नंबर लिखा हुआ है, ये दोनों मैंने परचेस किया। उसके बाद मैंने पेंटल का 0.3 का 2B लेड परचेस किया है, क्योंकि ये ज़रूरी था मेरे को। और इसका HB 0.3 का HB लीड को भी मैंने परचेस किया, जो कि टॉम्बो ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता है ये भी। उसके बाद सबसे मेन चीज़ मैंने लिया है कॉन्टे पेरिस का 3B पेंसिल, कार्बन पेंसिल है, काफ़ी डार्क होता है, मैंने यूट्यूब में देखा है, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं। मैं कभी यूज़ नहीं किया था, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको परचेस किया हूँ। और ऑनलाइन ही काफ़ी कॉस्टली था, बट मैं जब हॉबी क्राफ्ट गया तो काफ़ी मेरे को रिजनेबल प्राइस में ये मेरे को मिल गया। उसके बाद मैंने टॉम्बो मोनो का ये इरेजर लिया, काफ़ी अच्छा इरेजर होता है, प्लास्टिक इरेजर होता है, डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ मिले, इससे भी बड़ा साइज़ था, बट ये मेरे लिए सफिशिएंट है। कभी और ज़रूरत होगा तो मैं और परचेस कर लूँगा। देन उसके बाद मैंने लिया ये गैलरी के आर्टिस्ट सॉफ्ट ऑयल पेस्टल, काफ़ी अच्छे ऑयल पेस्टल होते हैं, गैलरी ब्रांड के हैं, काफ़ी अच्छा प्रीमियम ब्रांड है ये। और साथ ही साथ हॉबी क्राफ्ट वाले ने मुझे क्या दिया ये किरिंग, काफ़ी अच्छा किरिंग है, कितना कूल सा लुक करता है ये, तो इन्होंने मुझे ये गिफ्ट में दिया है, काफ़ी अच्छा है, तो इसको साइड करते हैं। ये सब मेरे को, मैंने अभी वहाँ से परचेस किया जो मेरे को ज़रूरत का था। मेरे को ये देखना था कि कैसा है ये ब्रांड, तो मैंने परचेस किया इसको। मैं अभी तक ऑयल पेस्टल ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ, इसको कभी यूज़ करूँगा तो उसका मैं आपको रिव्यू ज़रूर बताऊँगा। सुना तो हूँ काफ़ी अच्छे ऑयल पेस्टल होते, काफ़ी
प्रीमियम मतलब ब्रांड है ये, और काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं, तो मैं यूज़ तो ज़रूर करूँगा, तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये है मैंने जो हॉबी क्राफ्ट से परचेज़ किया वो ये है। आप ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मेरे को मिला है इसका, रिसेंटली अभी मैंने अमेज़ॉन में चेक किया था, तो ये 999 या 990 समथिंग कुछ था, ये मेरे को 35% ऑफ में 650 समथिंग कुछ मेरे को ये मेरे को मिल गया। काफ़ी अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छा है, ऑफलाइन तो बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को काफ़ी मैंने पैसे बचा लिए ऑफलाइन में जाके, तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।